बिजनौर के चांदपुर में गांव बास्टा के रहने वाले नफीस अहमद ने जिलाधिकारी बिजनौर को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनके पूर्वजों के कब्रिस्तान पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने वहां पर बनी कब्रें तोड़कर वहां पर मिट्टी का भराव शुरू करा दिया है। नफीस अहमद का कहना है कि ये 20-25 लोग कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके यहाँ पर प्लॉट काटना चाहते हैं। शिकायत के बाद मौके पर पहुँचे पटवारी और तहसीलदार ने सभी लोगों से एक कागज़ पर साइन करवाए, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि बास्टा में खसरा नंबर 188 जो कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, इस ज़मीन पर 24 अक्टूबर की रात से कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके उद्देश्य से वहां पर मिट्टी की भराई हो रही है। कार्रवाई के बाद पटवारी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर SDM को प्रेषित कर दी है। कस्बा बास्टा, मुझे जानकारी मिली थी कि कब्रिस्तान पे अवैध कब्जा हो रहा है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, जिसमें तहसीलदार SDM साहब ने अपनी जांच इसकी करा दी गई है और पटवारी जी यहाँ जांच कर रहे हैं, और यहाँ पे अवैध जो कब्जा हो रहा था वो प्रशासन ने रुकवा दिया है। यहाँ हमारे पूर्वजों की कब्रें थी जो तोड़ दी गई हैं, और इसमें यहाँ भराव हो रहा था, रात में 11-12 बजे तक हुआ है। ये नंबर 188 है, वक्फ बोर्ड में है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों के खिलाफ गांव वालों ने बयान दिए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए SDM साहब को आज ही रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। नाम मैं अभी आपको बता, नाम सामने आए हैं, अली शेर पुत्र खैराती, नफीस पुत्र इलाहिया पहलवान, अनीस पुत्र इलाहिया पहलवान, छोटे मास्टर पुत्र वसीर पहलवान, मुर्तजा कुरैसी पुत्र अजीत कुरैसी, समीम पुत्र सब्बीर, निवासी गण ग्राम बास्टा। इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत सर इस पर बयान किया गया, जिनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बना करके प्रेषित की जा रही है।